सेकंड चैप्टर विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम द एग्जाम सेकेंड दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग आर नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट अब सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे बिजनेस क्या होता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है प्रॉफिट मोटर्स से एंड इट इंक्लूड्स सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिस इज व्हाट वी लर्न इन आर फर्स्ट चैप्टर अब बात यह है कि हर बिजनेस सेम नहीं होता हर कोई अपना बिजनेस एक तरीके से नहीं चलाता

इसका एक एग्जाम्पल दो तो जैसे एप्पल इट इज़ अ प्राइवेट इंटरप्राइज देन वी हैव पब्लिक इंटरप्राइजिस दीज आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेजड बाय गवर्नमेंट अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही रोल हो सकता है बट मैनेजमेंट कंट्रोल और ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है नाउ थर्ड वी हैव जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज दीज जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओन्ड कंट्रोल्ड अनमेनेज बाई बोथ अब बोथ में आते हैं प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों की ओनरशिप में शेयरिंग होती है इन फैक्ट ये मैनेजमेंट की स्ट्रैटीज भी साथ मिलकर ही बनाते हैं हमारे चैप्टर का फोकस है प्राइवेट एंटरप्राइजेस सो वी आर गन स्टडी इट इन डिटेल अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वन इनकारटेड एंड सेकेंड कॉरपोरेटिड अब इनकॉरपोरेटेड इंटरप्राइज़ेस कौन सी होती हैं इनकॉरपोरेटिड इंटरप्राइज़ेस वो होती हैं विच डू नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी का ये मतलब हुआ कि बिजनेस business और बिजनेसमैन लॉ की आंखों में एक है या लॉ की आँखों में एक नहीं है दो इंटरप्राइजेस विच आर इनकॉरपोरेटिड वो लॉ की आंखों में एक ही होती है लाइक द बिजनेस एंड द बिजनस मैन आर वन सिंगल आइडेंटिटी और एंटिटी वेर ऑन द अदर हैंड जो कारपोरेटिड होती हैं वो लॉ की आंखों में टू डिफरेंट एंटिटीज या आइडेंटिटीज होती हैं एक बिजनेसमैन की अपनी इंडिविजुअल और एक बिजनेस की अपनी इंडिविजुअल अब नॉन कॉरपोरेटिड में हमारे पास तीन टाइप्स हैं फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप सेकंड पार्टनरशिप एंड थर्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑन दर हैंड कॉपोरेटेड में हमारे पास है सेकेंड वन इज कॉपरेटिव इंटरप्राइजेस पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है अब एज द नीन सजेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एक सिंगल ओनर का बिजनेस नाउ सोल ट्रेड इज दस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओल्डेस्ट फॉर्म एज इन वो ना ही इंडिया में बट अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे पुराना टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है जो सारे मैनेजमेंट के काम करता है कंट्रोल भी वही करता है कैपिटल भी वही प्रोवाइड करता है सो लेट्स लुक इन टू इट्स डेफिनेशन इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अब यहाँ पर हमारे पास की टर्म्स हैं ओन्ड एंड मैनेज बाई अ सिंगल इंडिविजुअल और वो ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बिजनेस में एंड देन कम्स दैट ही रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज अब यहाँ पर हमारे पास फायदे की ये बात है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल यानी कि ओनर को सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे बट एक ड्रॉबैक भी है कि लॉसेज भी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेयर करने पड़ेंगे इट इज सुटेबल इन द एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विस लाइक दैट ऑफ ब्यूटी पार्लर अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि एक ही पर्सन को हैंडल करना होता है तो यहाँ पे जहां पे पर्सनल टच या पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है यहाँ ऐसी जगहों पे सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा यूजफुल होती है फॉर एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑफ अब हम पढ़ेंगे फीचर्स

अब एक ही पर्सन है जो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस में तो उसी को सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे और उसी को सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द थर्ड वन इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसको स्टार्ट करने में या इसको बंद करने में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इनफैक्ट ना के बराबर फॉर्मेलिटीज की ही जरूरत होती है द फोर्थ वन इज कंट्रोल अब एक ही पर्सन है जो सब कुछ करता है तो उसी की प्रॉपर पकड़ होती है अपने बिजनेस पे ही कंट्रोल्स एंड मैनेजेस everything in इन हिज बिजनेस द फिफ्थ वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अब क्योंकि ये एक इनकॉर्पोरेटेड टाइप ऑफ बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस मैन और उसका बिजनेस डिफरेंट लीगल एंटिटीज होल्ड नहीं करता वो लॉ की आंखों में सेम है बिजनेस इज इक्वल टू बिजनेस मैन दिक्कत वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी नाउ दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका बिजनेस है और उसके ऊपर खतरा है या आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं और आपके बिजनेस के पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि आप वो कर्जे उतार सकें तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन यानी कि जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स यानी कि उसकी पर्सनल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा वो कर्ज उतारने में नाउ दिस इज़ एन डी मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप दैट सॉल्व द फीचर्स नाउ वी फोकस ऑन मेरिट्स अब आपको ये लग रहा होगा कि आपको फीचर्स मेरिट्स डी मेरिट्स सब अलग अलग तरीके से याद करने हैं पर ऐसा नहीं है हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स फीचर में से ही निकल आते हैं जस्ट फोकस सो द फर्स्ट मेरिट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज अब क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं स्टार्ट करने में तो इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द सेकेंड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग अब एक ही पर्सन है उसी का बिजनेस है उसी का दिमाग है तो वो जो डिसीजंस लेगा वो ही उसके बिजनेस के लिए फाइनल होंगी तो यहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग कम्स इन टू प्ले अब जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना कंफ्यूजन होता है और उतना ही डिले होता है किसी भी डिसीजन में तो यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है द थर्ड वन इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अब जब एक इंसान अपने दम पे अपना बिजनेस चलाता है अपना बिजनेस खड़ा करता है तो उसे एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है ये हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देती है सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट द फोर्थ वन इज नो लीगल फॉर्मैलिटीज अब लीगल फॉर्मैलिटीज की जरूरत नहीं है इसलिए वो इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज है दैट्स इट इट्स वेरी सिंपल द फिफ्थ वन इज सोल प्रॉफिट रिसपियंट अब एक ही पर्सन है वो ही सारी चीजें करता है अपने बिजनेस में तो उसको ही सारा प्रॉफिट मिलेगा उसको अपना प्रॉफिट या अपनी अर्निंग्स किसी और से शेयर करने की जरूरत नहीं दिक्कत वन द लास्ट वन इज पर्सनल कॉन्टैक्ट अपने बिजनेस में जब इंसान खुद काम करता है तो एक सेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है मतलब एक पर्सनल टच और एक पर्सनल पकड़ होती है तो ये फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत प्रोमिनंट है अब हमारे पास है डीमेरिट्स सबसे पहले है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अब आपको ये बात तो पता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर है उसी को सारी चीज़ें करनी है अपने बिजनेस में इंक्लूडिंग कैपिटल अरेंज करना अब एक पर्टिकुलर इंसान कितना ही कैपिटल अरेंज कर सकता है सो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑन स्मॉल स्केल यहाँ पे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं क्योंकि कैपिटल हमारी बोरिंग कैपेसिटी एज वेल एज हमारी सेविंग्स पे डिपेंड करता है तो अब एक पर्टिकुलर इंसान जो सिर्फ एक ही है अपने बिजनेस में उसकी कैपेसिटीज तो कम ही होंगी इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस द सेकेंड वन इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी अब एक ही इंसान हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में प्रोफिशियंट नहीं होता उसको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है तो यहाँ पे मैनेजेरियल एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है एंड दैट सम वे आर दी अदर इम्पैक्ट्स द बिजनेस द थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी अब जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक काफ़ी प्रोमनेंट फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का इसका मतलब ये होता है कि अगर एक इंडिविजुअल का बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं या डेट्स हैं और बिजनेस के पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनको पे करने के लिए तो so, यहाँ पे उस ओना के पर्सनल रिसोर्सिस या पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा अब ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कई बार एज इट लीड्स टू पांक्रप्सी द फोर्थ वन इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस अब क्योंकि एक ही इंसान है जो सब कुछ कर रहा है तो अगर उसको गलती से कुछ हो जाए यानी कि इफ ही नीड्स एन एक्सीडेंट गोज मेंटली अनस्टेबल तो उसका बिजनेस वहीं रुक जाता है उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई नहीं होता तो दिस इज़ अनदर द डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द फिफ्थ वन इज लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन अब हमें ये तो पता है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सिस है और लिमिटेड मैनेटेरियल एबिलिटी है तो वो एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और एबिलिटी होती है हम तभी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं अब ये दोनों चीजें यहां पे लिमिटेड है तो ये यहां पे एक प्रॉब्लम है विद दिस वी ब्रिंग टू एन एंड टू आर टॉपिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अब इन टर्म्स से आपको क्या समझ में आ रहा है ब्रॉडली एक जॉइंट फैमिली मोस्ट प्रोबावली हिंदू एंड दे रन अ बिजनेस टुगेदर Yeah, you are absolutely right. Simple words meska yehi meaning hai. So let's look into its definition. Now it refers to that business organization under which all the members of joint Hindu family carry a business under the control of Karta of the family. Now it is governed under the Hindu law. अब जॉइंट इन द फैमिली में क्या होता है एक जॉइंट फैमिली होती है जो अपना बिजनेस रन कर रही होती है एंड सारे मेंबर्स उसी बिजनेस में काम कर रहे होते हैं दे डू नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ दैट बिजनेस एंड ये लीड किया जाता है कर्ता के द्वारा लाइक यू नो द कर्ता इज़ मेन हेड ऑफ़ द बिज़नेस इट इज़ समवॉट सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बट एक ही पर्सन है जो सब कुछ मैनेज और कंट्रोल करता है अब द टर्म कर्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट इन डिटेल नाउ हु इज कर्ता। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है इन पर्टिकुलर वही कर्ता बन सकता है नाउ ही हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू टेक लोन्स डील विद अदर पार्टीज एंड टू टेक डिसीजंस मतलब उसी के पास सारी पावर्स होती हैं वो डील्स कर सकता है वो बिजनेस के नाम पे लोन ले सकता है एंड थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व भी कर सकता है देन कम्स नो अदर मेम्बर अदर देन दी कर्ता हैज एक्सेस टू दी अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस अब जो कर्ता होता है सिर्फ वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बुक्स होती हैं जो डेली बिजनेस के प्रोसेस को रिकॉर्ड करती हैं लाइक टू एंड फ्रो जहाँ पैसे जाते हैं पैसे आते हैं सामान आता है सामान जाता है वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है सो इन दिस केस ओनली द करता हैज एक्सेस टू इट देन वी हैव केस ऑफ लाइबिलिटी यानी कि कोई डेट या कोई लोन अराइज होने पे, लिव करता अ लोन ऑल दी अदर मेम्बर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अब जो करता है क्योंकि वो सब मैनेज करता है तो उसके पास एक डीमेरिट भी है सिर्फ उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है एंड बाकी सारे मेम्बर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मतलब कि अगर बिजनेस कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो सिर्फ कर्ता की पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंड बाकी जो मेंबर्स हैं उनके रिसोर्स को टच भी नहीं किया जाएगा अब हम पढ़ेंगे फीचर्स सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द फर्स्ट वन इज ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ अब जैसा कि डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हिंदू लॉ गवर्न करता है तो इसके सारे ऑपरेशन सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स स्ट्रैटीज सब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है नथिंग इज बियॉन्ड दैट लॉ द देंड वन इज मैनेजमेंट बाय कर्ता कर्ता ही सारे मैनेजमेंट डिसीजंस लेता है बिजनेस में लाइक नो बडी अदर देन द कर्ता हैज द राइट्स टू टेक द मेजर डिसीजंस और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पार्टीज और इवन टेक लोन्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस सिर्फ कर्ता ही है जिसका सिग्नेचर चलता है एंड वही है जो सारे काम करता है अदर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट बट उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड होती हैं दे आर जस्ट अलाउड टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस द बेसिक ऑपरेशन एक्सेट्रा द थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी अब जैसा कि हमने पढ़ा कर्ता के अलावा सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ करता ही है जिसके रिसोर्स को यूज़ किया जाएगा पर्सनल रिसोर्स इन पर्टिकुलर उन्हें यूज़ किया जाएगा अगर बिज़नेस कोई प्रॉब्लम्स फेस करता है एंड बाकी मेंबर्स अपने रिसोर्स अपने पास रख सकते हैं द फोर्थ वन इज़ कॉन्टीन्यूटी अब जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि वहाँ पे अनस्टेबल एग्जिस्टेंस है लाइक like अगर उस सोल प्रोप्राइटर यानी कि ओनर अगर उसको कुछ हो गया तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा पर यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी होती है एज एवरी नाउ एंड देन अ न्यू मेबर इज एडेड टू फैमिली बिजनेस जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्टली बिजनेस का पार्ट बन जाता है एंड ऐसे बिजनेस कंटिन्यू होता है अब आप सोच रहे होंगे अगर कर्ता को कुछ हो गया तो क्या होगा अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो जो सेकेंड एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली में यानी कि कर्ता के बाद जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है फैमिली में वो कर्ता की पोजिशन ले लेता है एंड द बिजनेस गोज ऑन द फिफ्थ वन इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज अब एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म करने में कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती ऑल यू गॉट टू डू इज फॉलो द रूल्स लेड बाय द हिंदू लॉ द लास्ट वन इज मेम्बरशिप बाई बर्थ अब जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है वो जैसे ही उस फैमिली का पार्ट बना वो वैसे ही उस बिजनेस का पार्ट बन गया सो so, यहाँ पे मेंबरशिप बाई बर्थ का फीचर है अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कुछ की टर्म्स हैं जो हमें पता होने इंपॉर्टेंट है एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज टू मार्कर्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द फर्स्ट वन इज कोपार्सनरी नो वट डज दिस मीन इट मीन्स अ कॉमन ओनरशिप इन दी एनसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी अब जितने भी मेम्बर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के उनकी एक कॉमन ओनरशिप होती है एनसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी में एनसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब जो हमें पूर्व वजह से प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है सो को पार्सनरी इज क्रिएटेड बाई लॉ एंड नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ क्या होता है ये लॉ से हमें मिलती है लाइक like, लॉ प्रोवाइड्स दिस प्रोविजन जिससे कोपार्सनरी इस्टेब्लिश होती है और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो अगर फाड़ दिया तो वॉइड हो गया लॉ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड कोई हमसे ये छीन नहीं सकता देन कम्स अकॉर्डिंग टू इट एन इंडिविजुअल गेट्स राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ एंड कैन ऑल्सो आस्क फॉर डिविजन इन द प्रॉपर्टी ये राइट लॉ प्रोवाइड करता है इसलिए ये राइट बाय बर्थ है एंड आल्सो एन इंडिविजुअल व्हेन अटेंस द एज ऑफ 18 कैन आस्क फॉर डिविशन इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो अपना हिस्सा मांग सकता है ये भी एक प्रोविजन लॉ के द्वारा दिया गया है सेकेंड वी हैव मिताक्षरा मिताक्षरा पॉपुलर है पूरी कंट्री में इन कंप्लीट कंट्री एक्सेप्ट आसाम बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा मिताक्षरा में क्या होता है जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसको एनसट्रियल प्रॉपर्टी में ओनरशिप मिल जाती है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू हिज फादर्स ओनरशिप इन शॉर्ट ओनरशिप का जो लेवल होता है या जो प्रोपोर्शन होता है वो हर मेंबर में इक्वल होता है इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इफ़ दैट पर्सन इज अ स्मॉल किड और एन एडल्ट एंड द थर्ड की टर्म इज दया भागा इट प्रिवेल्स ओनली एंड ओनली इन आसाम बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा अब दया भाग में क्या होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसको एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ओनरशिप नहीं मिलती वो फैमिली बिजनेस का पार्ट तो बन जाता है पर ओनरशिप उनके फादर के पास ही रहती है और जब वो फादर एक्सपायर करते हैं तभी वो ओनरशिप सन या डॉटर में ट्रांसफ़र होती है Now, these टू आर the टाइप्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली businesses दैट आर prevalent. अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स मेरिट्स और डी मेरिट्स याद है ना आपको कैसे डिराइव करने हैं हमें वो डिराइव करने हैं फ्यूचर से तो सबसे पहले है हमारे पास ईजी टू स्टार्ट अब हमने पढ़ा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाई द हिंदू लॉ और यहाँ पर और लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती इसलिए इट इज़ ईजी टू स्टार्ट द सेकेंड वन इज़ कॉन्टीन्यूटी अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक पोपेचुअल बिजनेस है इट नेवर कम्स टू एन एंड अनटिल द मेम्बर्स वॉन्टेड टू क्योंकि जब भी कोई नया मेम्बर ऐड होता है फैमिली में वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में एड हो जाता है तो दिस गोज ऑन एंड गोज ऑन द थर्ड वन इज सीक्रेसी जब अपने ही फैमिली मेम्बर्स बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ पे सीक्रेसी तो होती ही है एज इन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो अपनी स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स एक्सेट्रा सब अपने तक ही रखते हैं एंड ऑल्सो देर इज दिस फैक्ट कि कर्ता के अलावा और कोई बिजनेस अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता सो द कर्ता ऑल्सो मेंटेन्स द सीक्रेसी द फोर्थ वन इज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन लॉयल्टी एंड कॉपरेशन आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर ओन फैमिली सो दिस इज देयर सपोर्ट टू द फैमिली बिजनेस द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी अब कर्ता के अलावा बाकी सब की लाइबिलिटीज तो लिमिटेड है तो बाकी मेम्बर्स के लिए एक मेरिट है देन वी हैव प्रॉन्ड डिसीजन अब करता ही वो पर्सन है जो सारे डिसीशंस लेता है तो यहाँ पे भी डिसीजन्स डिले नहीं होते जो सोचा डिस्कस किया एंड अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज़ करके करता ने डिसजन्स ले लिए नो डिले अब हमने मेरिट्स तो देख लिए लेट्स लक एट द डी मेरिट्स सबसे पहले है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस अब जो फैमिली बिजनेस है वो फैमिली तक ही लिमिटेड है ज़्यादा रिसोर्सिस रेस करने की कैपेसिटी नहीं हो पाती है बिकॉज द एसेट्स विच कैन बी यूज एज कोलेट्रल आर द सेम एंड दे रिमेन कॉन्स्टेंट टू इसका मतलब ये हुआ मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ता है कोलेट्रल देना ही पड़ता है तो अब यहाँ पे फैमिली बिजनेस है उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एंड जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो ही हैं कुछ ज़्यादा नहीं है तो वो यहाँ पे कैपिटल रेस करना या रिसोर्स रेस करना काफ़ी लिमिटेड हो जाता है देन वी हैव लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स अब जो करता है उसी के पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है अब उसकी नॉलेज क्या पता एकदम एप्ट होना हो एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट ही माइट नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इन ऑल दी एस्पेक्ट्स सो हेयर मैनेजेरियल क्वालिटी ऑल्सो गेट्स लिमिटेड द थर्ड वन इज डोमिनेस ऑफ करता अब बाकी लोग तो यही सोचते होंगे कि हम कर क्या रहे हैं जब सारे डिसीजन्स करता नहीं लेने हैं सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो करता कैन बी स्टपन अब एक इंसान जिसके पास सारी पावर अथॉरिटी और कंट्रोल है वो कई बार घमंडी भी हो जाता है और स्टबन भी हो जाता है वो दूसरों के आइडियाज सुनता नहीं है सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम द फोर्थ वन इज लैक ऑफ कोऑपरेशन अब कर्ता की डोमिनेंस सहते सहते क्या पता सारे मेंबर्स कोऑपरेट करना बंद कर दें सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी एंड दैट्स अ प्रॉब्लम विद दिस वी ब्रिंग टू एन एंड टू आर वीडियो टुडे वी लर्न अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस In our next video, we will take up the topic of partnership and cooperative societies. Till then, keep revising.